Yo, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to another new gameplay video. तो guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Last Dead Rule Survival. So finally यार आपके भाई ने आप लोगों के लिए सोशल सर्वर बना दिया है. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सोशल सर्वर थोड़ा सा लेट बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैंने तुरंत बना ही दिया. वैसे तो आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका है और सर्वर उन्होंने जाके स्टार्ट भी कर दिया. कुछ बंदे लोग खेल रहे हैं अभी. बाकी जिनको भी नहीं पता था उनको भी अभी पता लग चुका है. तो भाई ये वीडियो देखने के बाद आप भी जाके स्टार्ट कर देना, तैयारी वगैरह अच्छे से करना. फिलहाल मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने सर्वर को आप कैसे खेल सकते हो, क्योंकि जो भी बंदे नए हैं उनको देखो सर्वर पे जाना नहीं आता, या फिर काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है भाई सर्वर नहीं मिल पाता. तो अपने सर्वर खेलने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है सोशल सर्वर पे. उसके बाद देखो ये दूसरे नंबर पे ही लिखा है सोशल सर्वर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है. फिर नीचे सर्च बार पे आपको बस इतना सर्च करना है कि 40x, पूरा नाम सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना लिख के सर्च मार दो भाई फिर भी आ जाएगा. ये देखो 40 लिखा, उसके बाद बस एक्स दे दो, छोटा वाला एक्स, बड़ा वाला नहीं, यानी कि स्मॉल लेटर वाला एक्स, ठीक है. तो वो लिखते ही देखो अपना सर्वर शो हो जाएगा. एक ही सर्वर आया है इसमें, तो इसके ऊपर बस आपको क्लिक कर देना है. अपने सर्वर का फुल नेम देख लो, 40x नो एडमिन फ्री वैच फ्री AKM M24 MG4 24 hour raid. अपने सर्वर का नाम देखो काफी बड़ा है, लेकिन आपको पूरा नाम सर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है. बस मैंने जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दिया है 40x लिख के सर्च मारो, इजीली आ जाएगा. अभी मैं सर्वर में एंट्री करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि आपको क्या क्या फ्री में मिलेगा और आपको कैसे सर्वर को प्ले करना है, कैसा है सर्वर का डिटेल वगैरह सब कुछ. तो यहाँ पे मैं यार लास्ट टाइम जब आया था सेल्फी करके रख दिया था खुद को, क्योंकि नो ड्रॉप सर्वर है, वरना जेब वेब काट लेगा तो फालतू में सामान गिर जाएगा. तो देखो आप जैसे ही सर्वर पे एंट्री कर दो, सबसे पहले तो आपको ये कुछ सामान वगैरह मिल जाएगा, लेकिन ये ऑयल ड्रम नहीं मिलेगा भाई. ऑयल ड्रम तो मैंने एडमिन पावर से निकाल के रखा है. और ये मार्क्स वगैरह भी नहीं मिलेगा, ठीक है. आपको क्या मिलेगा देखो, आपको मिलेगा एक MG4, एक AKM और एक M24. तो भाई ये तीनों गन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आप जैसे ही सर्वर पर एंट्री करोगे तभी. और साथ ही आपको बुलेट भी मिल जाएगा 1000 करके, 1005 का बुलेट और 1007 का बुलेट. मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है. अभी दिखाता हूँ आपको आखिर फार्म वगैरह कितना मिलेगा. मैंने कैसे एक स्टील एक्स भी दे रखा है, ताकि आप सर्वर पे आते ही थोड़ा बहुत तो फार्म तो करोगे ना. अगर एक्स वगैरह नहीं दूंगा तो फार्म कैसे करोगे. तो स्टील एक्स भी दे रखा है, टेंशन की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अभी देखो स्टील एक्स से मैं यहाँ पे एक ट्री कट करके दिखाता हूँ आपको कि आखिरकार कितना फार्म आपको मिलेगा. देखो भाई एक ट्री कट करने के बाद आपको इतना वुड मिल जाएगा अराउंड 20,000 के आसपास. सर्वर देखो 40x है, क्योंकि देखो जितने भी नए प्लेयर्स होता है ना, उनको ना ही तो अच्छे से फार्मिंग आती है, ना ही अच्छे से रूम लूटिंग और ना ही अच्छे से PvP. तो इसीलिए मैंने फार्मिंग को थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ताकि यार उनको फार्मिंग पे कोई भी दिक्कत ना आए. एंड जो भी सोलो बंदा खेलता है, अगर उसका बेस रेड भी हो जाएगा ना, तो भी इसके वजह से वो सोलो बंदा ही इजीली सर्वर पे दोबारा बेस बना के जम कर सकता है. अभी देखते हैं हमें रोड फार्मिंग से कितना स्पेयर मिलता है. ये मैंने एक ड्रम तोड़ा तो यहाँ से मुझे मिल गया भाई 80 स्पेयर, यानी कि हर एक ड्रम से आपको 80 स्पेयर मिल जाएगा. स्पेयर की भी भाई कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं रहेगी, स्पेयर भी आपको अच्छा खासा ही मिल जाएगा भाई. एंड गाइस इस सर्वर को मैंने पूरे 30 दिन का बना दिया है, क्योंकि देखो 7 दिन का सर्वर तो आपको ब्लडी वगैरह देखने को मिल जाता है, एंड 15 दिन का भी देखने को मिल जाता है, रैंक प्रोटेक्टेड ये सब है ही. लेकिन 30 दिन का सर्वर आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता. मिलता है कुछ कुछ सोशल सर्वर होता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे खेलने के लिए जाते हो तो एडमिन वगैरह आके आपका बेस रेड मार देता है, बैच वगैरह आप नहीं लूट पाते हो. तो इसी कारण मैंने इस सर्वर को पूरे 30 दिन का ही बना दिया है. यहाँ पे ये कौन बंदा भाई सोया हुआ है, इसका जेब काट लूँ क्या? वैसे नहीं, मैं जेब काट के वाला क्या करूँगा. इसके अंदर बस थोड़ा सा ही सामान वगैरह है जो कि पहली बार एंट्री करने से मिल जाती है सर्वर पे. एंड गाइस इस सर्वर पे आप जितनी बार भी मरोगे उतनी बार ही आपको 10-10 करके बैंडेज मिलता जाएगा. एंड इस सर्वर पे कुछ स्पेशल वेपन्स वगैरह भी है, जो कि है गॉड आर्मर एंड गॉड गन. ये सब आपको बैटल शॉप पे देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो खरीद के इसको चला सकते हो और बंदों का सर फोड़ सकते हो. ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45 टिकट्स पे ये गॉड गन, जिसको अगर आप खरीदते हो तो इसका डैमेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा एंड बंदे का भाई पूरा कीमा बना सकते हो आप. एंड यहाँ पे होगा हेलमेट, गॉड हेलमेट और ये है गॉड आर्मर, जिसको आप अगर आप पहनते हो तो आपका हेल्थ भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. मैं उसको आपको पहन के भी दिखाता हूँ कि आखिरकार उसका पावर वगैरह कैसा है. एंड यहाँ पे कैसे आप मार्क्स वगैरह भी खरीद सकते हो कॉइन से, मतलब समझ लो आप रूम वगैरह करने जा रहे हो तो आपको मार्क्स की यार ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगा. लेवल 2 का मार्क्स दे रखा है, अगर आप खरीदते हो मार्क्स तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा आपके लिए और आपके टीममेट के लिए भी. एंड जो बंदे आलसी है फार्मिंग वगैरह नहीं करते उनके लिए भी कुछ है, उनके लिए मैंने बैटल शॉप पे दे रखा है एक्सक्लूसिव, जो कि मिलता है आपको 10,000 एक्सक्लूसिव मिल जाएगा सिर्फ
100 ट्रेड टिकट पे। खैर साथ ही साथ बैटल शॉप पे आपको पर्पल कार्ड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा ताकि आप रूम वगैरह कर सकते हो इजीली। तो चलो गाइस अभी मैं आपको थोड़ा सा गॉड वेपन्स की पावर वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे पास आ चुका है गॉड हेलमेट। गॉड हेलमेट को मैं जैसे ही पहनता हूँ आप मेरे हेल्थ को देखना कि कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ओके मैंने पहन लिया एंड अभी देखो भाई मेरा हेल्थ हो चुका है 1000+। एंड गाइस ये मेरे हाथ पे आ चुका है गॉड गन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका हम पावर का टेस्टिंग करेंगे। रिलोड कर लेता हूँ। गन पे मैंने स्किन भी देखो काफी ज्यादा अच्छी वाली लगा के रखा है। अगर आप ये गन लेते हो तो आप पे भी यही स्किन दिखेगा एंड हेलमेट आर्मर वगैरह पे भी भाई स्किन अलग अलग है भाई काफी सही लगता है। चलो अभी मैं इसका पावर को टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बेजल प्लेस कर दिया और ये मैंने गॉड गन से मारा भाई कितना आ रहा है 65 डैमेज हो रहा है। अभी नॉर्मल मेरे पास ये एके में देखो 7 डैमेज हो रहा है एके से। तो आपको अभी अंदाजा लग ही गया होगा इसका पावर क्या है। चलो मैं इस बंदे को यहाँ पे मार देता हूँ वरना यार अगर कोई दूसरा बंदा आएगा ना फिर बेचारे को मार देगा दूसरा कोई बंदा आके फिर यार बेचारे की लूट तो सारा का सारा लूट के ले ही जाएगा दूसरा बंदा। तो उससे अच्छा मैं इसको मार ही दूँ। नो ड्रॉप सर्वर है तो इसका कोई भी सामान तो गिरेगा नहीं। गाइस मैंने शायद अभी तक आप लोगों को रूम का रिस्पॉनिंग टाइम बताया ही नहीं। तो रूम का रिस्पॉनिंग टाइम देखो पर्पल रूम का जो रिस्पॉनिंग टाइम है वो शायद से 1 घंटे का और जो ग्रीन रूम का है 5 मिनट का और ब्लू रूम का मैं थोड़ा सा भूल से गया हूँ लेकिन शायद 15 मिनट या आधा घंटा ऐसा ही शायद से कुछ था। अभी चलो देखते हैं अपने सर्वर पे आखिरकार बंदे लोग क्या कर रहा है। तो मैंने एक बंदे का यहाँ पे आईडी वगैरह डाल दिया है। अभी देखते हैं वो बंदा क्या कर रहा है। उसके ऊपर मैंने पूरा टेलीपोर्ट मार दिया है। ओके मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और बंदा यहाँ पे शायद से रोड फार्मिंग कर रहा था। चलो भाई चलो अच्छे से रोड फार्मिंग करो सही है तैयारी वगैरह अच्छे से करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे 30 दिन का सर्वर है तो अच्छे से आराम से मजे से खेलो। इस सर्वर का देखो एक ही रूल है बस कि हैक करके भाई बिल्कुल भी मत आना। जो भी बंदे देखो हैक करके आएगा ना उसका आईडी सर्वर से तो बैन होगा ही होगा साथ ही साथ भाई गेम से भी पूरा 10 साल के लिए बैन हो जाएगा सिर्फ उसका आईडी नहीं डिवाइस भी। अगर आप लोगों को कोई भी हैकर दिखे तो मुझे तुरंत भाई इन्फॉर्म कर देना या फिर हो सके तो उसका कोई भी छोटा सा वीडियो क्लिप या फिर कोई भी फोटो प्रूफ के हिसाब से मेरे को भेज देना डिस्कॉर्ड पे। मेरी डिस्कॉर्ड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे ही होगा। और गाइस अगर आपको कोई भी हैकर दिखता है और आप उसकी प्रूफ के हिसाब से कोई भी चीज़ फोटो वगैरह नहीं ले पाते हो तो आप एक काम करना आप जैसे ही किल होते हो हैकर से मान लो भाई हैकर ने आपको दीवार के पूरा आर पार मार के किल कर दिया तुरंत भाई उसका आईडी कॉपी करके मेरे को डिस्कॉर्ड पे भेजना प्राइवेट पे फिर मैं अगर ऑनलाइन रहूँगा तो सर्वर पे आके उसको देख लूँगा। बाकी का आप लोग सर्वर को मजे से खेलो बैच जीतो भाई बैच अगर आपने जीता तो पूरा ही आपका हो गया। ऐसा नहीं कि एडमिन एक लेगा दो लेगा। एडमिन यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा ना ही तो किसी को हेल्प करेगा और ना ही बैच वगैरह लेगा। देखो एडमिन का काम बस इस सर्वर पे एक ही होगा वो है हैकर को हटाना। एंड गाइस जो नए अपडेट पे टेमिंग वाला सिस्टम आया है चलो मैं आपको एक जानवर को टेम करके दिखाई देता हूँ। तो भाई इसके लिए आपको एक ग्लव्स क्राफ्ट करना पड़ता है जो कि ऐसे ही बस क्राफ्ट हो जाती है वो ऑलरेडी अनलॉक ही होता है। उसको क्राफ्ट करने के लिए बस आपको थोड़ा सा क्लोथ चाहिए होगा और थोड़ी सी हाइट जो कि मैं हाइट लेने वाला हूँ इसी भालू को मार के। मेरे पास क्लोथ ऑलरेडी है। चलो मैं यहाँ पे ना गाड़ी वगैरह क्राफ्टिंग पे डाल दिया था। ये देखो भाई यही हो ग्लव्स इसको मैं यहाँ पे क्राफ्ट कर लेता हूँ। और मेरे को ये एक सीटी भी चाहिए होगा ये वाला बांसुरी व्हिसल इसको भी मैंने क्राफ्ट कर लिया। व्हिसल से क्या होगा बस आपको आपकी जो भी डायनो बोल रहा हूँ भाई ये आर्क सर्वाइवल थोड़ी है जानवर होगा कुत्ते वगैरह कुत्ते तो नहीं होता भालू वगैरह तो जो भी आपका होगा पेड़ उसको आप बुला सकते हो व्हिसल की मदद से। चलो ठीक है मैंने उसको क्राफ्टिंग पे तो डाल दिया एंड क्राफ्ट भी शायद से हो चुका होगा। ओके तो यहाँ पे मैंने एक स्नो वाली टाइगर को स्पॉन कर लिया है भाई इसको अभी मुझे सबसे पहले कमज़ोर करना पड़ेगा मार के। चलो मैं एक दो बुलेट मार देता हूँ इसको एके एम से। ओके भाई अभी इसका हो चुका है ये नीचे एक लेवल आ चुका है। अभी बस ग्लव्स को इस टाइप से यूज़ कर देना है आपको ग्लव्स को लेना है आपको शॉर्ट बर में और फिर हाथ में पहन के बस फायर वाले बटन पे इस टाइप से क्लिक करते जाओ। अभी देखो भाई मेरे पास एडमिन पावर है क्योंकि मैं ऑब्वियसली सर्वर का होस्ट हूँ इसीलिए मेरे को डैमेज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप जब इसको टेम करोगे तब थोड़ा सा ध्यान से करना ये आपको मार भी सकता है। तो इस टाइप से बस आपको टेम करते जाना है और ये देखो ये लेवल बस हो ही गया एक बार और लास्ट। ऑल राइट गाइस सो फाइनली यार मैंने अपने कुत्ते को टेम कर लिया है भाई आज से ये मेरा कुत्ता ही हुआ ना मेरा फालतू डॉग है ये। फिर तो ये यहाँ पे लेट जाता है। अभी देखो उसको बुलाना कैसा होता है तो ऐसे सीटी मारो भाई व्हिसल बजाओ भाई किधर आया आया नहीं दोबारा से बजाता हूँ रुक जाओ ये दोबारा जैसे ही मैं बजाता हूँ मेरे पीछे वो आ जाता है आ जा भाई आ जा मेरे पीछे पीछे अभी देखना ये घूमेगा मैं जहाँ पे जाऊँगा ये वहीं पे जाएगा ये देखो भाई
मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। बट अब ये मत सोचना कि इससे आप पूरा एक आर्मी बना के एनिमी को मारोगे। भाई ये सब पेड़ वगैरह एनिमी को शायद से नहीं मारता है, मैंने जहाँ तक चेक कर लिया है थोड़ा सा तो नहीं मारता यार। अभी बाकी इसमें थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह है, बस एक ही एनिमेशन दे रखा है तो उसी को आप करके बस ऐसे फन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड इन्होंने भाई गेम वाले ने इसका स्किन वगैरह भी डाल दिया है गेम पे, अभी तो पेड़ का भी स्किन है, वो भी खरीदो भाई, बस पैसा ही पैसा होगा आपका नहीं गेम वालों का। तो यहाँ पे गाइस ना मैंने एक और टाइगर स्पॉन कर दिया, लेकिन ये दोनों के बीच में फाइट बिल्कुल भी नहीं हो रही, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि गाइस कल मैंने एक सर्वर पे गया था और उस पर मैंने एक पेट को टेम किया था, वो था वुल्फ। वुल्फ को टेम करने के बाद मैंने गया वुल्फ के एक झुंड पे और मेरे वाले वुल्फ ने झुंड पे जितने भी वुल्फ था भाई सभी को मार दिया था, और उन्होंने भी मेरे वाली वुल्फ को थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही दिया था, लेकिन एट दी एंड मेरे वाली वुल्फ भी विनर हुआ था। लेकिन आज जब मैं इस टाइगर को टेम कर दिया तो भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है यार। खैर जो भी हो, अगर गाइस आप आपके पेट को ऐसे गोली चलाते हो उसके ऊपर तो उसको ज़रा सा भी डैमेज नहीं होता है, जैसे कि आर्क सर्वाइवल में भी ऐसा ही सीन है कुछ, लेकिन भाई वो एक अलग टाइप का गेम है, ये एक अलग टाइप का। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक गाड़ी क्राफ्ट कर लिया है। अभी देखो मैंने गाइस एक नया गाड़ी खरीदा है जो कि मतलब बनाया है कस्टम कार, तो जो ऑपरेशन बेस वाली है इसका बस मैंने ये कैबिन वगैरह खरीदा है और जो टायर वगैरह होता है और दो बूस्टर भी लगा दिया है गाइस, जो कि अभी देखना मेरी गाड़ी का स्पीड। अब लोग मेरी गाड़ी ना पूरे 100 किलोमीटर की ऊपर की स्पीड में भागती है, 108 की स्पीड में चलती है, इसकी टॉप स्पीड है 108। चलो थोड़ा सा गाड़ी भी चला के देख लेते भाई, नया नया बनाया है तो थोड़ा चला के देखते कैसी चलती है। साथ ही साथ ये भी चेक हो जाएगा कि अपना कुत्ता जो है वो अपने पीछे आ भी रहा है या नहीं। भाई कुत्ते का मतलब है जिसको हमने टेम किया स्नोली टाइगर, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो खैर देखो उसका एक रेंज होता है, आप जैसे ही उसके रेंज से थोड़ा सा दूर चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली ना गायब हो जाता है, फिर आपको उसको दोबारा से बुलाना पड़ेगा। बुलाने के लिए वही सेम टेक्निक, व्हिसल बजाओ भाई वो आपके पीछे हाजिर हो जाएगा। भाई ये बूस्टर तो कुछ ज़्यादा ही फ्यूल खाता है। चलो अभी बारी आ चुका है इस गाड़ी को टाटा बाय बाय बोलने का, तो मैं अपनी देसी कट्टे को निकालता हूँ और एक बुलेट बस मुझे इसके ऊपर मार देना है। भाई पूरा का पूरा गायब कर दिया, एक बुलेट ही थी। फिलहाल का समय मैं एक बंदे के पास टेलीपोर्ट हो जाता हूँ ये देखने के लिए आखिरकार बंदे लोग क्या कर रहे हैं अपने सर्वर पे। तो ये बंदा भाई अपना बेस वगैरह बिल्ड कर रहा है। ओ भाई ये राउंड वाली शेप वाली चीज़ इसने यूज़ किया है, ओ भाई 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 भाई, भाई। काफ़ी बढ़िया तरीके से बेस बनाया है यार। राउंड वाली मतलब भाई जो नई चीज़ आया है राउंड वाली बेजल, उसको भरपूर यूज़ कर रहे हैं बंदे लोग। काफ़ी सही बेस बनाए, देखने में भी थोड़ा बहुत बढ़िया ही लग रहा है पहले से, तो मतलब पहले जिस टाइप का बेस बंदा था उससे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, न्यू डिज़ाइन का बेस बनाया है बंदे ने। चलो भाई ठीक है, अच्छे से खेलो सर्वर। एंड अभी मैं आ जाता हूँ एक्सपेक्टेड मोड पे, इस टाइप से हम किसी को भी देख सकते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बंदे लोग देखो अपना बेस बिल्ड कर रहा है, स्टार्टिंग बेस। ओ भाई ये कुछ टाइप का बेस बना रहा है ये बंदा, इधर देखो राउंड वाली बेजल लगा दिया, इधर भी राउंड वाला। भाई 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 ये क्या अंडा बनाने की, अरे भाई इधर भी राउंड वाला लगा दिया। अच्छा तो गाइस यार सारे के सारे बंदे आजकल इसी टाइप का बेस बना रहा है यार, मतलब भरपूर यूज़ किया जा रहा है इसका। जो 2x2 का बेस होता है ना, पहले जो हम बनाते थे 2x2 का बेस बना के, हम पहले क्या करते थे चारों साइड पर ट्रायंगल बेजल लगा के प्रोटेक्शन लगाते थे, लेकिन अभी बंदे लोग क्या कर रहे हैं ट्रायंगल बेजल को टाटा बाय बाय बोल के ये जो राउंड वाली बेजल है इसका यूज़ करके प्रोटेक्शन लगा रहा है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैं आ जाता हूँ कोई दूसरे बंदे के पास, अभी देखते इसका बेस कैसा है। ओ भाई भाई इसका भी बेस सेम उसी टाइप का है जिस टाइप का वो बंदा बना रहा है, सारे के सारे बंदे इसी टाइप का आजकल बेस बना रहे हैं, हम भी ट्राई करेंगे यार जब सर्वर स्टार्ट करेंगे। ये बंदा पता नहीं दौड़ते हुए कहाँ पे जा रहा है, हो सकता है अपने बेस बनाने की लोकेशन तक जा रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है रूम करने के चक्कर पे हो। इसको जाने देते कोई दूसरे बंदे के पास चलते हैं। ओके एक और बंदा इधर दिख चुका है मुझे, तो ये भाई इधर क्या कर रहा है, फार्मिंग। बढ़िया यार फार्मिंग करना अच्छी बात होता है, फार्मिंग से ही सब कुछ होता है, करो अच्छे से करो। तो चलो यार अभी आप भी जाके अपना सर्वर खेलना स्टार्ट कर दो। एंड आज के वीडियो पे इतना ही था गाइस, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।